सबसे पहले हमें कागज़ पर हमारा जो लेफ्ट हाथ है, जो लेफ्ट हाथ की हथेली है, उसे कुछ इस तरह से रखना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा पिजन का यानी कि कबूतर का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग हम इससे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इस हथेली को बस हमें आउटलाइन करना है हल्के हाथ से, बिल्कुल डार्क हमें आउटलाइन नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। पेंसिल से भी आप इसे आउटलाइन कर सकते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बस आपके हाथों में ही कबूतर का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग छिपा हुआ है। वो किस तरह से हम उभार कर लाते हैं, ध्यान से देखिए। इस तरह से जो हमारा लेफ्ट वाला हाथ है, जो हथेली है लेफ्ट हाथ की, उसको हमने कागज़ पर कुछ इस तरह से आउटलाइन कर लिया। अब इसी हथेली को हमें थोड़ा सा मोड़ना है, उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ना है और उसके पीछे इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। बस जो उंगलियाँ हैं हमारी मुड़ी हुई, उन्हें ही हमें आउटलाइन करना है ताकि जो कबूतर है उसकी जो पूंछ है वो बन सके। ध्यान से देखिएगा, बस इसे हमें थोड़ा सा डार्क आउटलाइन करना है। देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ये पिजन का कबूतर का ड्राइंग बनता है। अब इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, बस जो हमारी हथेली है एक बार हमें ड्रॉ करनी है, फिर हथेली को मोड़कर उसकी पूंछ बनानी है। यहाँ पर उसकी आँखें और यहाँ पर उसकी चोंच, और बन गया हमारा कबूतर। अब इसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर आप इसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से उसके जो पैर है वो हम बना सकते हैं। अब लेंगे मार्कर या स्केच पेन और इसे बिल्कुल जैसे हमने ड्रॉ किया है उसी तरह से आउटलाइन कर देंगे, तो हमारा जो कबूतर है वो उभर कर हमारे सामने आ जाएगा। तो कभी देखा है आपने इतना आसान तरीका कबूतर को ड्रॉ करने का, तो ज़रूर से इस आसान से कबूतर के ड्राइंग को बनाइएगा। पहले पूरा ड्राइंग देख लीजिए, फिर बाद में आराम से बनाइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सुंदर से आसान से हथेली से कबूतर के ड्राइंग को ज़रूर शेयर कीजिए। एक नया तरीका है, नई ट्रिक है, आसान तरीका है, जिसे बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आता है वो भी सुंदर सा पिजन का कबूतर का ड्राइंग बना सकता है। देखिए सुंदरता से उसके पैर हम बनाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिएगा हमने क्या किया है। जो हमारी लेफ्ट हथेली है उसको पहले हमें आउटलाइन करना है, फिर उंगलियों को मोड़कर उसकी पूंछ के लिए आउटलाइन करना है और बन गया हमारा कबूतर। कितना आसान है देखिए। अब उस साइड वाला जो उसका पर है, जो उसका पंख है, वो भी पहले वाले पंख को आउटलाइन करके इस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदरता से ये जो पिजन है हमारा बन गया। अब इसे मैं कलर तो नहीं करने वाला हूँ, इसे सिंपल तरीके से पेंसिल से थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूँ। आप अपने मनचाहे कलर्स में इसे कलर कर सकते हैं। 15 अगस्त के दिन आप इसे तिरंगे के कलर में भी कलर कर सकते हैं, तो ज़रूर से बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही फिर से मिलते हैं।